यूपी में भले ही सीएम योगी ने यातायात के नए नियमों को लागू ना किया गया हो, लेकिन अगर आप बुलंदशहर में रहते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ यातायात नियम की अनदेखी करने पर आपके हाथ में हजारों की मोटी रकम के भारी जुर्माने की चालान रसीद थमाई जा सकती है। जी हाँ, एक युवक को यातायात नियमों की अनदेखी करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। बता दें कि युवक का सिर्फ इसलिए 8,000 की भारी रकम का चालान काट दिया गया क्योंकि वो बिना हेलमेट के एक्टिवा चला रहा था। और इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि युवक का ये चालान किसी पुलिसकर्मी द्वारा नहीं बल्कि बुलंदशहर एआरटीओ प्रवर्तन आनंद निर्मल द्वारा काटा गया है, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी ऑफिस गुहार लेकर पहुंचा। पीड़ित दिनेश का आरोप है कि बुलंदशहर एआरटीओ प्रवर्तन आनंद निर्मल की टीम ने उस वक्त रोका जब वो बिना हेलमेट एक्टिवा पर सवार होकर बुलंदशहर कालाम चौराहे की ओर से गुजर रहा था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया, जिसके बाद उसे एआरटीओ साहब की तरफ जाने का इशारा किया। जब पीड़ित एआरटीओ साहब के पास पहुंचा, तो हेलमेट न लगा होने पर एआरटीओ साहब ने बाकी कोई कागजात देखना ही मुनासिब नहीं समझा। 8,000 की मोटी रकम का चालान भरे जाने के बाद पीड़ित वाहन संबंधित सभी कागजात लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। मामला ये है सर, मैं कल दोपहर करीब 2 बजे बाजार से दवाई लेने गया था, तो रास्ते में वापस जैसे मैं लौट रहा था कालेआम की तरफ से, तो कालेआम पर एआरटीओ की टीम खड़ी हुई थी। एआरटीओ की टीम ने मुझे रुकने का इशारा किया, तो मैं रुक के स्कूटी मैंने अपनी साइड में लगा दी। उसके बाद मुझे एआरटीओ निर्मल आनंद निर्मल जी ने बुला लिया, तो बोले मुझसे कि आप जो है गाड़ी के कागज और हेलमेट के बारे में पूछताछ की मुझसे। मैं बोला सर हेलमेट तो मेरे पास में है नहीं, गाड़ी के सारे कागज जितने भी सर्टिफिकेट हैं सारे मेरे पास में मौजूद है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। बोले नहीं रहने दीजिए, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी देर में चालान मेरे हाथ में काट के 8,000 रुपये का चालान दे दिया। मुझे पता नहीं था कि 8,000 रुपये का चालान काटा है। मैं चालान लेके घर चला गया, घर जाके मैंने देखा तो उस पर 8,000 रुपये का चालान था। फिर मैं तुरंत ही वहाँ से देख के मैंने कहा ये तो गलत चालान काट के दे दिया। मैं तुरंत वापस कालाम पहुँचा एआरटीओ के पास में, लेकिन एआरटीओ तब तक जा चुके थे। सर मुझे आप ये बताइए कि ये एआरटीओ साहब जो है कानून से ऊपर है क्या? जिसने कानून संविधान बनाया है वो आदमी भी इतने अधिकार लिए हुए नहीं है जितने अधिकार ये एआरटीओ, क्या इनसे जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? ड्यूटी का क्या कर्तव्य है इनको, इनका क्या कर्तव्य होता है? आपने कुछ कंप्लेंट करी? मैंने अभी कंप्लेन, अभी मैं डीएम साहब के यहाँ और एसएसपी साहब के यहाँ आया हुआ हूँ इसकी शिकायत करने के लिए। बिना हेलमेट के 8,000 रुपये का चालान, क्या कोई क्या इंसाफ है? आपने एविडेंस दिखाए थे? और जो एविडेंस मैंने बहुत सर रिक्वेस्ट की थी उनसे, मन का सर देख लीजिए एविडेंस मेरे पास में सारे मौजूद हैं, सारे हैं कंप्लीट। बोले कि नहीं एविडेंस देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए घर जाइए। लेकिन अब देख रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने सर्टिफिकेट दिखाया नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो भी, असल में ऐसा वो कुछ भी लिख सकते हैं ना, उनके हाथ थोड़ी पकड़ रहे किसी ने, भैया उनके हाथ में पेन है, उनके पावर है, पावर में कुछ भी लिख सकते हैं वो। समस्या तो ये है ना, अब कानून कार्रवाई, एक आम आदमी गलती करता है उसके लिए सजा भी है और चार्ज भी है, जुर्माना भी है। लेकिन जो एक सरकारी अधिकारी गलती करता है उसके लिए कानून या कोई जो है जुर्माना सजा नहीं होती है उसके लिए। हालांकि एआरटीओ प्रवर्तन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि पीड़ित द्वारा मौके पर वाहन संबंधित कोई कागजात दिखाया नहीं गया था, जिसके चलते 8,000 का चालान किया गया, लेकिन चालान की डेट से पहले के कागजात दिखाने पर जुर्माना कम कर दिया जाएगा। नहीं संभव नहीं है, हेलमेट ना पहनने का 500 रुपये पहली ऑफेंस में, सेकंड ऑफेंस में 1,000 रुपये जुर्माना है। यदि उस पर और डॉक्यूमेंट नहीं है उसका ऑफेंस में लगता है। लेकिन यदि बाद में जैसे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है यदि नहीं है 2,500 रुपये उसका जुर्माना है। रजिस्ट्रेशन आरसीआर यदि नहीं है 5,000 है। लेकिन यदि वो बाद में दिखाता है चालान की डेट से पहले का डॉक्यूमेंट तो उसका वो जुर्माना हट जाता है, खाली जो चीज़ नहीं है उसका लगेगा। तो सर जैसे एक बंदा कह रहा है कि मेरे पे 8,000 का जुर्माना हुआ, जो रसीद घर जाके देखी है बाद में, और हेलमेट नहीं था। एक कह रहा है कि मेरे पे 10,000 हुआ, तो ये किस कंडीशन में? डॉक्यूमेंट्स का सर, ये डॉक्यूमेंट का नहीं था जो प्रस्तुत मौके में नहीं कर पाए। लेकिन यदि ये डॉक्यूमेंट दिखा देंगे कार्रवाई में आके तो जो खाली हेलमेट का है 500 वो लगेगा, या जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका लगेगा, जो डॉक्यूमेंट है उसका हट जाता है। एआरटीओ की ओर से भले ही मौके पर कागजात न दिखाए जाने की बात कही जा रही हो, लेकिन बुलंदशहर में हेलमेट न लगे होने पर 8,000 का चालान चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि वाहन संबंधित कागजात लेकर इंसाफ के लिए भटक रहे दिनेश को हेलमेट न लगाने का आखिर कितना जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।